लम बनाना बना उसके लिए उसने ऑरेंज खरीदा तो बोले गॉड प्लीज मेक मी एन ऑरेंज सो द बनाना गॉड वाज तथास्तु बिकेम एन ऑरेंज सो द गाय केम पिक द ऑरेंज बिट हिम स्पैट हिम कट अवे देयर इज माय डियर लॉर्ड कैन यू प्लीज मेक मी ग्रेप्स गॉड सेड तथास्तु became grapes and the guy didn't look at the grapes and the grape said how I wish I remained a plum there would be someone who loves a plum who would come and take me ladies and gentlemen we are all different hum sab alag alag hain bhagwan ne hum sab ko alag alag banaya hamare swabhav alag hain hum dikhte alag hain likes, dislikes, everyone's an individual, everyone's different, so, if you're a plum, remain a, if you're a mango, remain a, if you're an apple, remain a, if you're a guava, remain a, guava, वेरी गुड जो हम हैं हम वही रहें बी हैप्पी विद बीइंग योरसेल्फ बोला था ना बी हैप्पी विद बीइंग योरसेल्फ आप जो हो आप उसी में खुश रहो जी विनायक बताइए हमें कभी भी किसी की कॉपी नहीं करनी है जो आप हैं बस आप वही रहें मतलब किसी की भी कॉपी ना करें कि मैं ये नहीं कर सकता वो उसने कर लिया इंस्पिरेशन लेनी चाहिए दूसरों से है ना कॉपी नहीं करनी चाहिए उसकी अच्छी चीजों की इंस्पिरेशन लेनी चाहिए करेक्ट यस मैम जो हमें भगवान ने दिया है हमें उसी से खुश रहना चाहिए और अगर उसमें इतनी खूबियां हैं तो हमें उसकी कॉपी नहीं करनी चाहिए कि हमें भी ये होता वो होता आपको किसी की कॉपी नहीं करनी है बट आपको आपकी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहली चीज आपको आप सबकी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना है बिकॉज भगवान ने जब आपको बनाया है तो आपके अंदर एक ऐसा यूनिक फैक्टर डाला है कि कोई उस इंसान को बीट नहीं कर सकता अगर वंशिका सिर्फ फॉर एग्जाम्पल इज गुड इन स्पीकिंग सिर्फ फॉर एग्जाम्पल उसकी स्ट्रेंथ है ओरेशन बोलती बहुत अच्छा है तो इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो उससे बेटर होगा इस चीज में क्योंकि वो उसकी यूएसपी है वो उसकी यूनिक फैक्टर है राइट हर किसी में एक यूनिक फैक्टर होता है इम्पोर्टेंट इज आप उस यूनिक फैक्टर को कैसे पहचानते हो कब पहचानते हो कितनी जल्दी पहचानते हो एंड उस पे वर्क कैसे करते हो अपने आप को किसी नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म पे या किसी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे प्रोजेक्ट करने के लिए या अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए जी स्वास्थ्य गॉड इज क्रिएटेड अस विद मेनी सुपीरियर पावर्स Like somebody speaks so well, like Krishna speaks so well. If I wanted, I would become like Krishna. But Krishna find that makes so good food. Krishna want that I can also make so good food. In spite of giving speeches, Krishna is going to make food. He cannot make good food as him, but he speaks well than the person who make good food because God has given us a good factor of speaking. In spite of being a good chef, he can be a good orator and find his new strengths and become a very good, very good, very well spoken. Yes, Priyavasla. Very good, very good. Yes, Krishna. So God has made us different. We
have that original tag, so why we are copying somebody else? We don't have to be a part of the herd what they are doing. So we have to copy the inspiration. We have to copy our passion. We have to discover who we are. So God make us original, and by being original, we can touch the world. Yes, we need to discover ourselves, what best we have. We should not copy others, right? That is the best challenge we can do in our future. Thank you so much. Thanks a lot.